हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल सीजी व्लॉगर शालिनी। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सब ठीक ही होंगे। सो गाइज, अभी बज रहे हैं सुबह के 6 और मैं सबसे पहले आज बर्तन जमा रही हूँ जो कि मैंने रात को ही साफ़ करके रख दिया था। एंड उसके बाद मैं किचन को क्लीन कर लूँगी, झाड़ू लगा लूँगी किचन में मैं। आप देख पा रहे हैं कि साइड में मेरा पैरोट बैठा हुआ है। अभी एक पैरोट उठा नहीं है सोकर, एक उठ गया है मेरे साथ ही। अब मैं बेडरूम में आ गई हूँ एंड बेडरूम को भी अभी ठीक कर देती हूँ, बेड को सही कर लेती हूँ और बेडरूम को भी क्लीन कर देती हूँ। ये जो दो बेडशीट है जिनको मैं अभी ठीक कर रही हूँ, ये मेरे पैरोट की बेडशीट है। इनको वो रात को ओढ़ कर सोते हैं, सुलाते समय मतलब मैं उनको उढ़ा देती हूँ। और आपको मेरे पैरोट की कुछ आवाज़ें आएंगी तो प्लीज़ गाइस डोंट माइंड। इस तरह से मेरा बेड अब सही हो गया है। अब मैं रूम को थोड़ा झाड़ू लगा लेती हूँ। तरह से मेरा बेडरूम भी क्लीन हो चुका है। अब मैं दोनों कमरों को पोछा लगा देती हूँ। मेरे यहाँ कोई हाउस हेल्पर नहीं है, ये सारे काम मैं ही करती हूँ। और हम लोग सिर्फ दो ही लोग रहते हैं हमारी फैमिली में और दो ही कमरे हैं तो ज़्यादा काम नहीं होता है, सो मैं खुद ही कर लेती हूँ। पोछा लगाने के बाद मैं पैरोट को नहला दूंगी और उसके बाद मैं कपड़े वगैरह धोकर नहा लूंगी। उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी मैं। सो गाइस, जब मैं नहा कर आ चुकी हूँ और मैं थोड़ा सा अपने स्किन को मॉइस्चराइज कर लेती हूँ तो मैंने टोनर लगाया है और डे क्रीम और बिंदी लगा लेती हूँ। उसके बाद फिर किचन में जाके खाना बनाना है। अभी 10 बज रहे हैं। सो मैं किचन में आ गई हूँ। मैंने गैस ऑन कर लिया है और कढ़ाई को मैंने गैस पे चढ़ा दिया है। मैंने कुकर में पहले ही दाल को पका लिया है तो उसको मुझे तड़का लगाना है, इसलिए मैं इसमें तेल भी ज़्यादा डालूँगी और सरसों और जीरा भी थोड़ा ज़्यादा डालूँगी। और आप देख पा रहे कि मेरे दोनों पैरोट साइड में ही बैठे हुए हैं, दोनों सोकर उठ चुके हैं, नहा लिए हैं उन्होंने। तो जीरा और सरसों जैसे ही चटक जाएंगे तो मैं उसे दाल में डाल दूंगी, इसलिए मैं थोड़ा ज़्यादा सरसों डाल रही हूँ। और आपको मेरे पैरोट की आवाज़ आ रही होगी गाइस, तो प्लीज़ इग्नोर कर दीजिएगा। और जीरा और सरसों अच्छे से चटक चुके हैं तो अब मैं इसे दाल में डाल देती हूँ। दाल में मैंने हल्दी और नमक डाल दिया है और इसे भी 2 उबाल आते तक के और दाल को पका दूँगी। जीरा सरसों चटकने के बाद अब मैं इसमें किसा हुआ लहसुन डाल देती हूँ और लहसुन जैसे ही गोल्डन ब्राउन हो जाता है उसके बाद मैं बारीक कटा हुआ प्याज डाल दूंगी। इसमें मैंने मीडियम साइज़ का एक प्याज लिया है और 4 बड़ी साइज़ की हरी मिर्च ली है जिसे मैंने काट कर रख दिया है। तो प्याज भी जैसे सॉफ्ट हो जाएंगे उसके बाद मैं इसमें हरी मिर्च डाल दूंगी। मैं आज बनाने वाली हूँ कुंदरू की सब्जी। कुंदरू को इंग्लिश में स्कारलेट गॉर्ड और ईवी गॉर्ड भी कहते हैं। सो मैंने कुंदरू को पहले ही चॉप कर लिया है और चॉप करके वॉश कर दिया है। कुंदरू को मैं ऐसे ही राउंड शेप में ही कट करती हूँ, मुझे अच्छा लगता है। और इसे अब मैं अच्छे से मिक्स कर दूँगी और इसको मिक्स करने के बाद ढक कर पकाऊँगी मैं। कुंदरू को पकने में काफ़ी ज़्यादा समय लगता है गाइस, इसलिए इसे मैं भी पहले तेल में ही पकाऊंगी। सो मेरी दाल अभी बनकर रेडी हो चुकी है तो मैं इसमें तवा रख दूंगी। मैंने आटा पहले ही गूंथ लिया था और आटा गूंथने के बाद मैंने
15 मिनट के बाद मैंने रोटियों को भी बेल दिया है। बीच बीच में इस तरह से हम कुंदरू को चलाते रहेंगे सब्जी को। और मेरे प्लेटफॉर्म पे ज़्यादा जगह नहीं है जिससे मैं चकला बेलन रख कर तुरंत बेल सकूं, इसलिए मैं पहले ही बेल कर रख देती हूँ। और मैंने चने की दाल को 1 घंटे पहले भिगा कर रख दिया था, तो कुंदरू थोड़े थोड़े सॉफ्ट हो चुके हैं, इसलिए मैंने इसमें भी चने की दाल को डाल दिया है। और अब इसे अच्छे से मिक्स कर लूँगी मैं। और इसके बाद मैं कुछ इसमें बेसिक मसाले डाल दूँगी, जैसे कि हल्दी पाउडर मैं 1/2 चम्मच डाल दूँगी, 2.5 चम्मच मैं लाल मिर्च पाउडर डाल दूँगी, 2 चम्मच मैं धनिया पाउडर डाल दूँगी, और इन सबको मैं अच्छे से मिक्स कर लूँगी। मिक्स करने के बाद इसे मैं ढककर पकाऊंगी। और अभी हमारा तवा ऑलमोस्ट गर्म हो चुका है, सो मैं अब इसमें रोटी सेकना स्टार्ट कर देती हूँ। इस तरह से मैं एक एक करके रोटियाँ सेक लूँगी। मैं ज़्यादा रोटी नहीं बनाती हूँ, मैं 4 से 5 रोटियां ही बनाती हूँ, क्योंकि हम 2 ही लोग हैं खाने वाले, इसलिए। रोटी सेकते हुए मैं बीच बीच में सब्जी को चेक कर लूँगी और चम्मच चलाते रहूँगी। मैं सब्जी को धीमी आंच में बना रही हूँ, हाई फ्लेम पर मैं बिल्कुल नहीं बनाती हूँ। मैं धीमी आंच पर बनाती हूँ, तब तक मेरा सारा खाना बन चुका होता है और सब्जी लास्ट में ही रेडी होती है मेरी। और मैंने टमाटर को कट नहीं किया था, वॉश करके उसे छोड़ दिया था, तो मैं इसमें ले रही हूँ 1 बड़ा साइज़ का और 2 मीडियम साइज़ के टमाटर, जिसे मैं अभी काट रही हूँ। और कट करने के बाद मैं उसे सब्ज़ी में मिक्स कर दूँगी, क्योंकि अब हमारे बेसिक मसाले पक चुके हैं। सो टमाटर को मैं सब्ज़ी के निचले हिस्से में डाल दूँगी ताकि वो अच्छे से गल जाए, और सब्जी को टमाटर के ऊपर ढक दूंगी मैं। और फिर इसे मैं ढक कर पकाऊंगी। सो गाइस, आप मेरे चैनल पर अगर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन को हिट कीजिए, ताकि मेरी आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आप तक पहुंच पाए। मेरे वीडियो को लाइक कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। मैंने इसमें नमक नहीं डाला था, सो मैं इसमें नमक डाल रही हूँ। मैंने 2 चम्मच के करीब नमक डाला है, मुझे हाथ से ही ज़्यादा समझ में आता है, इसलिए मैं हाथ से ही डालती हूँ, चम्मच से बहुत कम ही डालती हूँ मैं। और इस तरह से मेरी रोटी भी अभी एक ही बची है, बाकी सेक कर तैयार हो चुकी है।
इस तरह से मेरी रोटियां बनकर तैयार हो चुकी है। अब मैं इसमें चावल चढ़ा दूंगी। अब हम एक बार सब्जी को चेक कर लेंगे। टमाटर गल चुके हैं, उसे अब अच्छे से मिक्स कर लेंगे और 5 मिनट के लिए उसे ढककर पकाएंगे। इस तरह से 5 मिनट हो चुके हैं, अब सब्जी पककर रेडी हो चुकी है और मेरे चावल में भी उबाल आ चुका है। सो अब मैं इसमें थोड़ा सा गरम मसाला डाल दूंगी। और बारीक कटा हुआ हरा धनिया भी डाल दूंगी और गैस को बंद करके मैं इसे ढककर रख लूंगी। इस तरह से सब्जी बनकर तैयार है और चावल भी अब मेरे 3-4 मिनट में पक जाएंगे। उसके बाद फिर मैं मिलती हूँ आपको। सो गाइज, ये देखिए अभी हम खाना खाने वाले हैं। सो मैंने थाली तैयार कर ली है। सो आप भी आ जाइए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और लाइक कर दीजिए।